अरे 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 चलो बाजू आठ दिन से पूरा रास्ते पे पानी, तुमको समझ में नहीं आ रहे? साफ करके दे दो, उधर ही रहने दो, आने दो उसको, बुलाना उसको, आने दो, ऐसा नहीं आएगा उसको, तो ऐसा येणार नाही, ऐसा नहीं आया तो रहने दो, तब तक कौन है आता, तब तक उठने का ना, इधर ही बैठने का, वो नहीं आ रहा तब तक उधर ही बैठने का, उधर आने तक बैठने का इधर, हाँ बुला उसको, बताओ उसको ऐसा हो, बोलो हाँ सोनेगा नहीं मेरे को, बोल उसको वो गटर साफ कर रहे, शिवसेना का फोटो ले, थोड़ा सा वर तोड़ काटा, थोड़ा सा थोड़ा वर तोड़ काटा, उभा रहा था सा हमसे एक घंटे से इधर रास्ते पे खड़ा किया हमको, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो कभी आने का, साफ करके दे दो, जिनकी जिम्मेदारी है वो कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरे को विधायक बनाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। चार पाँच दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, ये गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ, और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ, और जिस गंदगी में से मेरे लोग जा रहे थे वही गंदगी में, वही कचरे में ठेकेदार को बिठा के